नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा गुप्ता है। 4 साल पहले ब्यूटिशियन थी, अपना सैलून रन किया करती थी, 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लिया करती थी। घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था, हस्बैंड HDFC बैंक में जोनल हेड है, सारे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अपने आप में एक कमी फील होती थी कि मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रही हूँ। मुझे एक फेम चाहिए था, नेम चाहिए था और सारी ख्वाहिशें सपने पूरे करने थे। जिंदगी की ज़रूरतें तो सब पूरी कर लेते हैं, लेकिन सपने पूरे हर किसी के नहीं होते हैं। और फिर मुलाकात हुई मोदी केयर से। जब 4 साल पहले मोदी केयर मिला तो इस सिस्टम को जाना, समझा और देखा कि यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, गाड़ी अचीव कर रहे हैं, विदेश यात्राओं पर जाते हैं और उसी के साथ में घर भी अचीव करते हैं और उनका देश विदेश में नाम है, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका मालाओं से स्वागत किया जाता है। तो इच्छा हुई कि मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए और उसी समय डिसीजन लिया कि मुझे भी इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। जब बहुत सारे लोग इसे कर सकते हैं तो मैं भी ये सब पा सकती हूँ, अपने सपने सच कर सकती हूँ। और 4 साल पहले इसको सीखा, जाना, चैलेंज भी आए, लोग इसे समझते नहीं थे, लोग इसे छोटा काम समझते थे, लेकिन मैंने देखा कि इसे बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसे बिल्ड कर रहे हैं। तो फिर लगा कि मुझे भी इसे बिल्ड करना चाहिए। कुछ को ये समझ में आता है, कुछ को नहीं आता, लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जो पैशनेट होते हैं, जो हमारे साथ मिलते हैं और इस कारमा को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ 4 साल में मैंने यहाँ से GPTT लेबल अचीव कर लिया है। और इसके साथ में अगर मैं आज बात करूँ तो पहले महीने का चेक तो मेरा 580 रुपये का आया था, लेकिन अब मैं 5.5 लाख रुपये महीने का यहाँ से कमाती हूँ। इसी के साथ हर साल की मेरी फॉरेन ट्रिप यहाँ से पक्की है। और इसके साथ मोदी केयर जैसे कि गाड़ियाँ गिफ्ट में देता है, एक ऑडी A4 52 लाख की गाड़ी मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। और इसी के साथ रेंट के घर में रहती थी और अब शानदार 1 करोड़ का घर मोदी केयर के हाउस फंड से अचीव कर चुकी हूँ। तो और यहाँ से ये तो सिर्फ छोटी सी चीज़ें हैं, ये तो अभी अचीव की है। यहाँ से बड़े बड़े सपने भी सच होते हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ और करोड़ों के घर और पूरा वर्ल्ड ट्यूब यहाँ से मिलता है। और मान सम्मान की तो क्या बात है, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा नाम गूंजने लगता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको रेगुलर वर्क करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से रेगुलर आप एक कोई शॉप खोलते हो जाकर के, डॉक्टर अपने क्लिनिक पे बैठते हैं या एक जॉब वाला इंसान जॉब पर जाता है, उसी तरह मोदी केयर बिजनेस को भी आपको रेगुलर बिल्ड करना होता है। ये माइंडसेट का बिजनेस है। जब लोग आपको हरा नहीं पाते हैं तो वो आपका माइंडसेट तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जिए। जब वो नहीं कर रहे होते हैं तो आपको भी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए अपना साथ बनाए रखना है अपने अपलायंस से और वो सब चीज़ें आपको सिखाएंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएंगे और जो उन्होंने अचीव कर लिया वो आपको भी अचीव करवाएंगे। तो दोस्तों, यही मैंने किया, इधर उधर से दिमाग हटा करके सीधा माइंड लगाया, फोकस किया अपने काम पे और आज ये सब चीज़ें अचीव कर ली है। आज एक सेलिब्रिटी की लाइफ हो गई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी केयर को, इस सिस्टम को, जिसने इतना सब कुछ बनाया है और हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और अब इतनी पावर दे दी है कि हम औरों की लाइफ को भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसके भी सपने उसके सपने सच करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आ जाइए मोदी केयर में, जी लीजिए मोदी केयर को और कर लीजिए अपने सारे सपने सच। ओके, थैंक यू।